तो चलिए आज हम बहुत ही टेस्टी बेसन वाली कुरकुरी भिंडी बनाते हैं। इसे आप रोटी पूड़ी पराठे किसी के साथ खाएं, खाने का स्वाद दुगना हो जाएगा। यहाँ हमने 200 ग्राम भिंडी को लिया है। भिंडी को मैंने अच्छे से धो के एक टॉवल से पोंछ लिया था। इसके हमें डंठल को आगे वाले भाग और पीछे वाले हल्के से जो पतले होते हैं उसे काट लेना है। इसे हमें 1 से 1.5 इंच के लंबाई में काट के तैयार करना है। हमने इसे काट लिया है। अब इसमें हमें 3 चम्मच चावल का आटा डाल लेना है। तीन चम्मच ही इसमें हमें बेसन डालना है। बेसन को अच्छे से छान के लें। तो चलिए इसमें हम मसाले डाल लेते हैं। अब इसमें हमें स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच इसमें कोई भी खाने वाला तेल जो आप खाते हैं डाल लें, 2 चम्मच इसमें हमें पानी डाल लेना है। अब हाथों या चम्मच की मदद से इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए अच्छे से कोट नहीं हो रही है, इसीलिए हमने इसमें 2 चम्मच पानी और डाला है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आज की वीडियो आप लोग को पसंद आती हो तो हमारे चैनल रामरति की रसोई को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, ये बिल्कुल फ्री होता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। देखिए हमने अच्छे से मसाले को मिक्स कर लिया है। इधर कढ़ाही में हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम बेसन वाली जो भिंडी है उसे डाल लेते हैं। इसे हमें धीमी आंच पे फ्राई करना है ताकि ये कुरकुरी भी हो जाए और अंदर से अच्छे से पक भी जाए। देखिए ये अच्छे से कुरकुरी हो चुकी है। तो चलिए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ हमने एक पेपर रखा, जो एक्स्ट्रा तेल होगा पेपर पे आ जाएगा। देखिए ये भिंडी जो है अच्छे से पक चुकी है, सॉफ्ट हो गई है। दूसरे बैच की भिंडी को भी हम सेम तरीके से डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब एक बार इस बेसन वाली भिंडी को बनाएंगे ना तो बार बार बनाना पसंद करेंगे, ये घर में सभी को पसंद आएगी। देखिए ये भिंडी भी हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है, तो चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं। देखिए अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से कितनी कुरकुरी हमारी बेसन वाली भिंडी बनके तैयार हुई है। ये भिंडी देखने में ही इतनी अच्छी है तो खाने में कितनी अच्छी लगेगी। तो इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।